नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ऋतु ज्ञानवाली। जिस राज्य में किसानों ने बीजेपी की 15 साल की सत्ता की जमीन ही नहीं हिलाई बल्कि पूरी की पूरी जमीन ही खींच ली हो और कांग्रेस को किसानों के मुद्दे पर ही सिंहासन मिला हो तो सोचिए उस राज्य के किसानों की उम्मीदें कितनी बढ़ जाती हैं। पहले साल कर्जे से मुक्ति, फिर धान का पूरा समर्थन मूल्य भी मिलता है। अब इसी समर्थन मूल्य पर बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई है तो आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर, धान पर घमासान। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा है, तब भी जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी और अब भी जब सूबे की सरकार की कमान कांग्रेस के हाथों है। दरअसल 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जाने और सेंट्रल पूल में 32 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने के राज्य के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। केंद्र के इस रवैये के बावजूद भूपेश सरकार ने ऐलान किया है कि वादे के अनुरूप ही धान की खरीदी होगी, लेकिन इन तमाम हालातों के बीच कांग्रेस सरकार ने केंद्र पर दबाव बनाने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन जुटाने की मुहिम छेड़ दी है। सर्वदलीय बैठक बुलाई तो सभी सांसदों को रायशुमारी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इस बैठक से बीजेपी ने किनारा कर लिया। बीजेपी ने बैठक की सूचना नहीं होने की दलील दी तो जवाब में खुद मुख्यमंत्री ने निमंत्रण भेजे जाने वाली चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए झूठ बोलने वाली पार्टी करार दिया। समर्थन मूल्य और सेंट्रल पुल में चावल लिए जाने की मांग को लेकर भूपेश सरकार सड़क के रास्ते दिल्ली कूच भी करने जा रही है। सरकार ने इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ किसान संगठनों से समर्थन की मांग की है। आज की बहस इसी मुद्दे पर और हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। चर्चा शुरू होने से पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। धान खरीदी के मसले पर राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा खारिज किए जाने के बाद आज भूपेश सरकार ने सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में बीजेपी सांसद मौजूद नहीं हुए। बीजेपी की ओर से बड़े नेताओं के आए बयानों में ये बार बार कहा जाता रहा कि उन्हें इस बैठक की सूचना नहीं दी गई थी, जबकि ठीक इसी बीच बीजेपी के कई सांसदों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर बैठक में शामिल नहीं होने की सूचना भेजी। इस बैठक में केवल 3 सांसदों की मौजूदगी रही, जिसमें बस्तर सांसद दीपक बैज, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और राज्यसभा सांसद छाया वर्मा थी। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सांसदों पर हमलावर होते हुए दो टूक कहा कि बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा नजर आ रहा है। उन्होंने बीजेपी से 2 महत्वपूर्ण सवाल के जवाब मांगे हैं। भूपेश बघेल ने पूछा कि बीजेपी इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट कर दे कि क्या वो राज्य के किसानों से 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने की पक्षधर है या नहीं। दूसरा ये कि जब बीते साल केंद्र सरकार ने नियमों को शिथिल किया था तो आखिर अब क्यों नहीं किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि हम इन मुद्दों पर बीजेपी सांसदों का समर्थन चाहते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये नीति बनाई कि जो सरकारें बोनस देगी उन राज्यों से चावल का उपार्जन नहीं किया जाएगा, लेकिन 2017-18 में केंद्र ने छत्तीसगढ़ के लिए नियमों को शिथिल करते हुए 25 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में खरीदने का फैसला लिया था। जब पिछले साल ये खरीदी की गई तो इस साल भी नियमों को शिथिल किया जाए, यही मांग हमने केंद्र सरकार से की थी। हमने आग्रह किया था कि चूंकि इस साल उपार्जन ज्यादा है लिहाजा राज्य से 32 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जाए। भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री खाद्य मंत्री को चिट्ठी लिखी थी जिसके जवाब में केंद्र की तरफ से जो रिफ्यूज आया है उसमें ये कहा गया है कि 2500 रुपए में धान खरीदी करने से बाजार अस्त व्यस्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी अपने वादे से मुकर रही है। बीजेपी जब सत्ता में थी तब के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह खुद अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और सांसदों के साथ केंद्र सरकार जाकर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने की मांग करते थे। अब जब हम मांग कर रहे हैं कि नियमों में शिथिलता लाई जाए तो बीजेपी अपनी चाल, चरित्र और चेहरा दिखा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को के सांसदों को सूचना पहुंची है, उसकी पावती भी है, वो कॉपी आपको अलग से वितरित कर दिया जाएगा। जनता के सामने इस प्रकार के झूठी बातें न कहें, क्योंकि राज्योत्सव भी उन्होंने कहा हमको सूचना नहीं है, जबकि उसको भी पावती सभी
विधायकों के पावती है। अभी सांसदों को सूचना दी गई थी, उसकी भी पूरी पावती है। ये मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाने की कोशिश न करें। सीधी सीधी बात है, दो लाइन की बात है। पहली बात है, किसानों को 25 रुपए क्विंटल धान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इधर भले ही बीजेपी ने धान पर उबलती सियासत से अपने हाथ खींच लिए हों, लेकिन कांग्रेस को इस मसले पर जोगी कांग्रेस, बसपा का लेफ्ट पार्टियों का साथ मिला है। इस काम के लिए दिल्ली भी जाना है तो हमने अपनी सहमति दी है, और माननीय अमित जोगी जी, अजीत जोगी जी ने, हमारे पार्टी से 5 विधायक हैं, 1 महीना की तनख्वाह इस कार्य के लिए देने की माननीय अजीत जोगी ने घोषणा की। हम ये चाहते हैं कि हमारे किसानों को 2500 रुपया क्विंटल धान की कीमत इस प्रदेश में मिले, और उसके लिए चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे और कहीं भी जाना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर जाए। 2500 रुपए जो क्विंटल घोषित किया गया है, उसमें किसान की धान खरीदी की जाए, केंद्र की सरकार उसमें मदद करे। केंद्र की वर्तमान सरकार है आरएसएस लेड कॉरपोरेट हाउसेस का पैसा से पलवान एक मोदी सरकार है। ये मोदी सरकार किसानों का हित में काम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल धान की सियासत पर केंद्र ने आंखें तरेरी है, तो राज्य की भूपेश सरकार ने भी अपनी भौहें तान दी है। लेकिन इस टकराव का अंत कहां जाकर खत्म होगा, ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता। कैमरामैन अखिलेश पवार और रुपेश गुप्ता के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी पर अभी चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सामाजिक कार्यकर्ता उत्सव शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही पारसनाथ किसान नेता है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, आप क्या करेंगे इसके बाद? आप समर्थन मूल्य की आपने बातें की हैं, किस तरह से देंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के किसानों के हित को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार चिंतित है कि उनके धान की उनको सही दाम मिलना चाहिए, और पूर्व में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 2500 रुपए क्विंटल में जो धान खरीदा है, आज भी हम उसी कीमत पर धान खरीदेंगे। और इसके लिए निश्चित तौर पर एक सर्वदलित बैठक बुलाया गया और सांसदों को भी बुलाया गया था। तो जिस प्रकार से सर्वदलीय बैठक में अन्य राजनीतिक दल जो छत्तीसगढ़ के किसानों का हित चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, वो आके अपनी सहमति प्रदान किए हैं कि 2500 रुपए में धान खरीदी में वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिनको छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने प्रतिनिधि बतौर चुना है, वो आज वहां पे उपस्थित नहीं होकर ये साबित कर दिए हैं कि जिस प्रकार श्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी है, वैसे ही छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी किसान विरोधी है। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आज भी हम छत्तीसगढ़ के किसानों का धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ही खरीदेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं धनंजय जी, समय पर जो है सांसद बीजेपी के नहीं पहुंचे, पर उन लोगों का कहना है कि आप एंड मूवमेंट पे बताते हैं, पहले नहीं बताते हैं जो भी मीटिंग्स होती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का वक्तव्य मैंने सुन रहा था, उनके जो आरोप है उनका ही जवाब जो सांसदों का जो लेटर आया है कि किन कारणों से अब बैठक में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है पूरा राज्य धान खरीदी को लेकर चिंतित है, सभी राजनीतिक दल चिंतित है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो 4 कदम आगे बढ़कर आना चाहिए, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और छत्तीसगढ़ किसानों के हित की बात हो रही है, कोई कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों के हित की बात नहीं है। और जो भाजपा के नेता अपने आप को छत्तीसगढ़ के हित चिंतक घोषित करते हैं, हित चिंतक बताते हैं, आखिर उनको किस बात का है? छत्तीसगढ़ के सांसदों को जो निमंत्रण दिया गया, समय पहले मिल गया है, इसीलिए उनका जो लेटर भी आया, जो सांसद उपस्थित नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये बहाना बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा आज स्पष्ट हो चुका है। पारसनाथ जी के पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरह से केंद्र ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वहीं राज्य की सरकार भी कोशिशें तो कर रही है पर हल नहीं निकल पा रहा है, अब किससे आस है आपको?
नहीं, पहले तो हम लोग किसान आशंकित थे कि हमारा धान खरीदी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितने में खरीदी होगा, 2500 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। परंतु पिछले दो दिनों से या विशेष करके आज मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि केंद्र चाहे मदद करे या मत करे, हम 2500 रुपए में हर हालत में खरीदेंगे। इससे किसानों में विश्वास हुआ है। परंतु इसके पीछे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे देश में और राज्य में कोई कृषि नीति नहीं है, इसीलिए राजनीतिक दल सब बेलगाम है। आज कृषि नीति होता, समर्थन मूल्य को कानूनी एक प्रावधान होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज हमारे धान का लागत मूल्य 3000 रुपया है और केंद्र सरकार निर्धारित कर रही समर्थन मूल्य 1815 रुपया। आखिर किस आधार में, आज कोई बताने वाला नहीं है। ये गंभीर विषय है। आज जितना भी दे देते हैं ऐसा लगता है कि बहुत हम खैरात दे रहे हैं। हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज समर्थन मूल्य से 700 रुपए ज्यादा में छत्तीसगढ़ सरकार हमारे धान खरीदने के लिए तैयार हुआ है और उसको तो प्रोत्साहन देना चाहिए और सभी राज्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को कि हम भले नहीं दे सके, भले हम वादा किए थे कि स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश लागू करेंगे, लागत में 1.5 गुना लाभांश जोड़कर हम समर्थन मूल्य तय करेंगे, आज स्वयं नहीं दे रहा है, पर जो राज्य सरकार दे रही है उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। वास्तव में ये सरकार के ऊपर नहीं है, हम किसानों के ऊपर पेट में लात मार रही है। हम तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि वो किसान विरोधी चेहरा त्यागे और जितना ज्यादा हो सके किसानों को मदद करें। उचित जी, कोई रास्ता निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है इस बीच के घमासान में? देखिए, रास्ता तो बिल्कुल क्लियर कट है। भूपेश बघेल ने लगातार ये कही है कि बात हम 2500 रुपए में धान लेंगे, ये बात निश्चित है। अगर उन्होंने कहा है और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है तो निश्चित तौर पर लेंगे और उन्होंने कुछ अल्टरनेट व्यवस्था सी करके रखी है। लेकिन आज भूपेश सरकार ने जिस तरीके से दो रास्तों में लाके खड़े कर दिया, इसमें से एक रास्ता चुनना पड़ेगा भाजपा कार्यकर्ता को। ये एक बहुत ही अच्छा एक उनका राजनीतिक दाव है कि आप भाजपा के लोग किसान के साथ है या किसान के खिलाफ है, आज इस जगह लाके खड़े कर तो दिया है भूपेश बघेल ने कि अब इनको क्लियर कट बताना पड़ेगा कि वो किसके साथ है। अगर आप 2500 वाली बात, तो 2500 की जो धान खरीदी है वो एक अल्टरनेट विकल्प के रूप में उन लोग चाहे फाइनेंस के लिए जाएंगे, चाहे वित्त सहयोग मांगेंगे, चाहे वो क्रेडिट लेंगे, लेकिन भले लोन लेंगे, भले 20,000-21,000 करोड़, लेकिन वो बांटेंगे जरूर, उनकी मंशा से क्लियर कट है। लेकिन ये चीज भी एक टेक्निकल पॉइंट हमको देखना चाहिए कि लगातार बम्पर पैदावार जो हो रही है ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये पूरे के पूरे देश में वही हाल है। जब से 1851 रुपए लगभग जो समर्थन मूल्य है वो आया है तो बम्पर पैदावार हुई है, एक टेक्निकल पॉइंट जरूर है। लेकिन आप देखिए कि किसने अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया और कहीं भी उन्होंने दाम नहीं डाले। आप देखिए, उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी का MSP को 1.5 गुना बढ़ाएंगे। अब लागत का 1.5 गुना क्या होता है, 1650 रुपए लागत मूल्य है और वही आप अगर 1.5 गुना करेंगे तो वो भी 2400-2500 के आसपास बैठती है। तो 2400-2500 रुपए में अगर किसान को मिल रहा है तो उसमें तकलीफ क्या है, आप बताइए। आफ्टरऑल आप भी तो यही चाहते हैं ना, किसान की आय दुगनी हो। 2022 तक का आपका लक्ष्य है कि हर किसान की आय दुगनी हो। तो अगर दुगनी हो और उसका पहला चरण अगर छत्तीसगढ़ से शुरुआत हो रहा है तो इसमें केंद्र सरकार को तो तकलीफ होने नहीं चाहिए। और ये वक्त जो है, वर्ष 2019-20 वित्तीय वर्ष मंदी का दौर है। मंदी के दौर में तो हर आदमी अपने नीचे वाले जमीन पे, जितने भी श्रमिक है, जितने किसान है, जितने अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति है, उनके पॉकेट में पैसे डालने वाली बात है। तो ये धान खरीदी ना समझ के आप उनके पॉकेट में पैसे वाले डालना, अगर समझे इसको, तो किसान के पॉकेट में अगर पैसे जाता है तो मंदी के दौर खत्म होते हैं। ये सीधा सा सीधा एक इकोनॉमिक्स का फंडा है। तो अगर मोदी सरकार ये मान ले कि हम एक मंदी दूर करने के लिए हमारा प्रयास है, इसको बोनस से या अन्य चीजों से ना जोड़ के जाए या राजनीति से ना जोड़ा जाए, तो ये भी एक सार्थक कदम है जो मंदी को दूर करेगा। और भूपेश सरकार इसमें एक बहुत अच्छा कदम, बहुत एक अच्छा राजनीतिक कदम ले रही है। उचित जी, जिस तरह से स्वामीनाथन जी की जो उनकी सिफारिशें थी, जो सिफारिशें थी, तो उनको सरकार लागू क्यों नहीं करना चाहती है? देखिए, स्वामीनाथन कमेटी एक अपने आप में पैच है, एक ऐसा है जो 2006 में मनमोहन सिंह जी ने इसको बनाया था, 2006 में उन्होंने ही इसको नहीं माना, इसको लिंगर ऑन करते गए उसको। वो क्या है कि वो दोनों ही सरकार ने उसको उसका विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी थी तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने पहले वोट तो ले लिया कि हम स्वामीनाथन कमेटी को मानेंगे, और उस वक्त जब केंद्र में
कांग्रेस सरकार थी और राज्य में भाजपा सरकार थी तो उन्होंने भी चिट्ठी लिख के अपना दायित्व खत्म कर लिया। उन्होंने बोला था कि हम स्वामीनाथन कमेटी को मानेंगे और उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उनका दायित्व खत्म। अब वही अब भाजपा सरकार आ गई है वो भी ये बोलते केंद्र में, तो उन्होंने मैं केवल बोल दिया कि हम मानेंगे लेकिन मान कोई नहीं रहा है। मैं पहले भी आपके चैनल में बोल चुका हूँ कि हम कोई भी सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, ये किसानों को तो बहुत मानती है मगर किसानों की बिल्कुल नहीं मानती है, किसानों को कोई मांग नहीं मानती। किसान बने आत्महत्या के लिए है, किसान बने गरीबी के लिए है, किसान लूट लगने बने, किसान चले जाने के लिए बने, किसान केवल और केवल वोट देने की एक कमोडिटी बन गए हैं। उनके बारे में तो आप कृषि उद्योग का दर्जा भी नहीं देते, उनको वो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन एक उद्योग का दर्जा भी किसान को नहीं दिया जाता। किसान हमेशा से हिंदुस्तान में चले जाने वाला एक व्यवसायी गरीब किसान है। धनंजय जी, जिस तरह से आप वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, सौतेलेपन का व्यवहार लगा रहे हैं, व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर हम यहाँ पर देखें, एक नीति होती है एक सरकार की, उस नीति के हिसाब से ही समर्थन मूल्य तय किया जाता है, हर राज्य में वैसा होता है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर इसमें बदलाव होगा तो हर जगह बदलाव करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया है। देखिए, समर्थन जो मूल्य तय करने का अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास सुरक्षित होता है और ये नीतियां पूरे देश भर के लिए बनती है। उसके अलावा उसमें एक विषय होता है कि अगर समर्थन मूल्य के अलावा कोई अतिरिक्त राशि बतौर बोनस राज्य सरकार अपने खजाने से दे सकती है। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी वही कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का, जिनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी, कर्ज दबे किसान थे, कृषि की ओर लोगों का रुझान खत्म हो गया था और रोजगार बहुत बड़ी समस्या थी, तो कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है और कृषि प्रधान राज्य है, तो उनको डेवलप करने के लिए, किसानों को उनको कर्ज मुक्त करने के लिए, उनके उत्पादन का सही मूल्य देने के लिए जो 2500 रुपए हम देने जा रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को किस बात का आपत्ति है, किस बात का परहेज है? एक ओर भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती है कि 2022 में हम किसानों का आमदनी दोगुनी करेंगे और जो राज्य किसानों को आर्थिक में मजबूत कर रहा है उस राज्य पे अड़ंगा लगा रहे हैं, उनके धान खरीदी पे अड़ंगा लगा रही है। ये निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा जो रवैया है ये स्पष्ट हो जाता है कि किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के गुड बुक में नहीं है, उनके गुड बुक में पूंजीपति लोग हैं। पूंजी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता यही है कि पूंजीपति ही देश को चलाते हैं, पूंजीपति कारण ही देश का आर्थिक व्यवस्था सुधरता है, पूंजीपति कारण ही देश का उन्नति दिखता है। यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता है, उसीलिए लोग किसान का विरोध करते हैं। और जो धनंजय जी, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है किसान विरोधी है, पर इतने समय आपकी भी तो सरकार रही ना, तब आपने सिफारिश ने राजनाथ सिंह की जो सिफारिश थी वो क्यों नहीं फॉलो की गई? तब देखिए, समय अनुसार जो किसानों के संबंध में जो नीतियां बननी चाहिए, किसानों के डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां बननी चाहिए, उस पर किसानों कांग्रेस सरकार जब भी रही है तो उसमें संशोधन किया गया है, उसको लाया गया है। हरित क्रांति जो आया था उसी के बदौलत तो आज किसानों की स्थिति सुधरी हुई है, फसल की स्थिति अच्छी हुई है, आधुनिक खेती का जो श्रेय जाता है वो कांग्रेस शासन को मिल जाता है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार उन विषयों पे हमेशा से उसको लाने का काम किया है, लेकिन जो आज स्थिति राज्य में बनी है जिसके लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी जो चेहरा है वो आज जनता को स्पष्ट हो चुका है। छत्तीसगढ़ के जो सांसद है, जिनको छत्तीसगढ़ जनता ने अपने प्रतिनिधि बतौर चुने हैं, वो आज किसानों के हित को लेकर मौन बैठे हुए हैं। सर्वदलीय बैठक और संसद के जो बैठक होती है उसमें नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए पारसनाथ जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने कहा कि केंद्र सरकार जो है किसान विरोधी है, ठीक है, हमने माना, पर आपसे भी यही क्वेश्चन है मेरा, रावण सिंह की जो बातें थी, जो सिफारिशें थी, उनको आपने क्यों नहीं फॉलो किया, उसमें आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? थोड़ा सवाल रिपीट करेंगे मैं, आप क्या, आप क्या उम्मीदें लगा रहे हैं, आप सरकार से क्या उम्मीदें आपकी? हमारी सरकार से तो यही उम्मीद है कि अपने अधिकार क्षेत्र के तहत हमारी धान खरीदी करे, अधिक से अधिक रेट में खरीदी करे, 2500 में खरीदी करे और किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उसको हल करे, चाहे किसी भी सरकार के हो। हम किसान तो किसी राजनीति से मतलब नहीं है, हम जो देखते हैं स्पष्ट बोल देते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग जिताए हैं। क्यों जिताए हैं? उसने कहा कि हम आपको लागत मूल्य में 1.5 गुना देंगे, हमको अच्छा लगा। हम सोच रहे थे 1500 उस समय रेट था, तो हमको 2200 मिलेगा, तो हम उसको सरकार बनाए।
और इसने कहा कि हम 2500 रुपया में खरीदेंगे, हम इसको सरकार बनाए। भाई आप लोग किसान के हित में काम करना चाहते हैं तो जरूर हम आपका सहयोग करें, क्योंकि हमारे साथ विश्वासघात जो कर रहा है वो स्पष्ट दिख रहा है, और जो हमारे हित में काम करेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए धनंजय जी आपके पास आना चाहूंगी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी मैं। ये जिस तरह से आपकी सरकार इतने सालों रही, और जब अजित जोगी थे मुख्यमंत्री उस समय पर, जब प्रधानमंत्री जी के पास आप गए थे, आपकी सरकार के लोग गए थे, मंत्रिमंडल पूरा गया था, कार्यकर्ता गए थे, और बात नहीं हो पाई थी ठीक ढंग से, और जिस तरह से धरना दिया गया था, तो क्या इस बार भी कांग्रेस सरकार का वैसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के किसानों का हित की बात है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्पष्ट कर देना चाहिए, क्या वो केंद्र की मोदी सरकार के 1815 रुपए में किसानों के धान के खरीदने का समर्थन कर रहे हैं, या छत्तीसगढ़ की सरकार जो 2500 रुपए प्रति क्विंटल पे धान खरीदने जा रही है इसका समर्थन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी किसानों के हित के लिए, छत्तीसगढ़ के हित के लिए, और जो केंद्र की मोदी सरकार जो छत्तीसगढ़ साथ लगातार अन्याय कर रही है उसके लिए हम सड़क पर उतरेंगे, सदन पर उतरेंगे। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का आवाज कांग्रेस पार्टी बुलंद करेगी, किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी मैं। जी देखिए, बहुत अच्छा मौका है भूपेश सरकार को, अगर ये स्टेप ले रही है तो इसमें सभी जितने भी दल के लोग हैं उनको आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ के उनके सांसदों को इन मीटिंगों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो राय समाज भूपेश बघेल इकट्ठी कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता को लेके, जितने पॉलिटिशियन है उनको लेके, जो किसान नेता है उनको लेके, किसान संगठन उनको लेके आगे बैठाल के एक सामूहिक चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छा एक कोशिश भूपेश बघेल जी है। इसमें आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा, आखिर वो बात अपनी रखे तब तो, वो जनता से रूबरू हो तब तो पता चलेगा कि आखिर उनके मन में विचार क्या है। जनता उनको चुन के भेजती है और वो कहते हैं कि नहीं, जैसी पार्टी की विचारधारा होगी हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। अरे पार्टी की विचारधारा आपको जिता के लाई है कि जनता उनके साथ आपको जिता के लाए, ये स्पष्ट नहीं करते हैं। कल सुनील सोनी जी सांसद रायपुर बयान दे रहे थे कि देखिए जो भी होगा ठीक है, लेकिन हम पार्टी विचारधारा के अनुरूप जवाब देंगे। तो क्या पार्टी विचारधारा सर्वोपरि हो गई? किसान अब किसान नहीं रहा, किसान क्योंकि वोट हो चुके, इलेक्शन में हो चुके हैं, आप जीत के आ चुके हैं, अब किसान किसान नहीं, अब आपके लिए तो वो पार्टी विचारधारा बड़ी हो गई। तो निश्चित तौर पर मेरा सुझाव है स्वराज टीवी के माध्यम से भी कि जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक सामूहिक चर्चा में उनको भूपेश बघेल से संवाद करना चाहिए, उनको आना चाहिए कि जनता की ये किसान हित की बात है, अगर किसान हित की बात अगर कोई 2500 रुपए दे रहा है और किसानों का भला हो रहा है तो इसमें गलत क्या हो रहा है, उनको संवाद करना चाहिए और एक सामूहिक चर्चा करके कोई निश्चित हल निकालना चाहिए। चलिए पारसनाथ जी आपके पास आने चाहूंगी, आप चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सरकार से? मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, ये सरकारों को 80% 75% देश की जनता किसान है, और किसान के हित में कोई भी सरकार खिलवाड़ न करे, किसान अन्नदाता का सम्मान करे, उसका उचित कीमत दे, और जो उससे विश्वासघात करेगा उससे कड़ी सबक सिखाएगी। ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये देश भर की जनता ठान चुकी है, और अभी हम लोगों का 12-13-14 को राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसमें छत्तीसगढ़ का मुद्दा भी उठेगा और यहाँ की बात पूरे देश भर में फैलेगा। चलिए पारसनाथ जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उच्च जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो धान पर घमासान तो बचा हुआ है और केंद्र सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, वहीं राज्य सरकार कोशिशें तो बहुत कर रही है, देखने वाली बात होगी कि क्या इसका हल निकल पाता है। फिलहाल हमारे इस खास धान पर घमासान हमारे इस पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।